देश में सफेद सरसों की रिकॉर्ड पैदावार हुई है, लेकिन आगामी महीनों में इसकी पेराई धीमी पड़ सकती है। इसकी वजह है कि बहुत सारे किसान आगे भाव में और अधिक वृद्धि होने की उम्मीद में तिलहन प्रोसेसरों को उत्पाद बेचने से परहेज कर रहे हैं। किसानों द्वारा बिक्री की रफ्तार धीमी पड़ने से देश में सफेद सरसों की रिकॉर्ड पैदावार के बावजूद विदेशों से पाम तेल और सोयाबीन तेल का आयात करना पड़ सकता है। भारत दुनिया में खाद्य तेलों का सबसे बड़ा आयातक देश है। मार्च 2021 में जब किसानों ने सफेद सरसों की बिक्री शुरू की थी, तब दाम प्रति टन 6000 रुपए से कम मिल रहे थे, लेकिन सितंबर में भाव बढ़कर 8813 रुपए प्रति टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए थे। दाम में इस इजाफे से प्रेरित होकर किसानों ने इसका रकबा बढ़ाने का निर्णय लिया। सफेद सरसों की बुआई नवंबर महीने में की जाती है। रकबा बढ़ने और जमीन में पर्याप्त नमी होने के कारण देश में सफेद सरसों की पैदावार 1.1 करोड़ टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। ये पिछले वर्ष के मुकाबले 28% अधिक है। पैदावार पिछले वर्ष से काफी अधिक है, लेकिन पेराई तब तक जोर नहीं पकड़ेगी जब तक किसान इसकी बिक्री शुरू नहीं कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।